हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दैट चैप्टर लास्ट टाइम वी आर स्टडीड अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम अप टिल नाउ वी आर स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तक हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके तीन हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। तो टुडेज टॉपिक इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा हिस्सा जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स बाहर निकल के आते हैं, तो उस नर्व्स से हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स बाहर निकल आते हैं, दिस नर्व्स कनेक्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच आर कनेक्टेड विद द ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो ये जो नर्व्स होते हैं, द नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, द नर्व्स arising from the brain and spinal cord are of two types, that is the cranial nerves and spinal nerves. The nerves arises from the brain are called as cranial nerve. तो हमारे brain से जो nerves बाहर निकलते हैं उसे cranial nerves कहा जाता है। These cranial nerves are connected to the various parts in the head, then thorax and abdomen. तो हमारे head, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन हिस्सों में जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को क्रैनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो दीज देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स इन टोटल, देयर आर 24। तो क्रैनियल नर्व्स, क्योंकि हमारे ब्रेन से जितने नर्व्स बाहर निकलते हैं उसमें 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स यानी कि 24 क्रैनियल नर्व्स जो है वो 24 है। तो स्पाइनल नर्व्स किसे कहते हैं? तो नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर निकल के आते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो स्पाइनल नर्व्स क्या कनेक्ट करते हैं? स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड विद द आर्म्स, देन लेग्स, स्किन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। देयर आर अबाउट 31 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। देयरफॉर द टोटल, इन टोटल देयर आर 62 स्पाइनल नर्व्स, सॉरी क्रैनियल नर्व्स बोला था मैंने, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो 31 जोड़ी जो स्पाइनल नर्व्स की होती है, यानी कि टोटल 62। तो 24 और 62 इनको मिला के टोटल नर्व्स जो है वो 86 होती है। कितने होते हैं? 86। उसमें 62 स्पाइनल नर्व्स और 24 क्रैनियल नर्व्स। आ गया समझ में? दिस इज द स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर निकल के आते हैं उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके दो हिस्से होते हैं। द फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हिस्सा जो है, तो सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसे शॉर्ट में कहेंगे ANS। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में
क्या फर्क है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और इसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स द नर्व्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी व्हिच परफॉर्म्स द वॉलंटरी फंक्शन। देयरफॉर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड विद द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी वॉलंटरी एक्टिविटीज है, चलना है, बोलना है, दौड़ना है, तो ये सभी जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है उसका, और उसको नर्व उससे जुड़े हुए होते हैं। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होती है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स द नर्व्स ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इट कनेक्ट्स द नर्व्स विद द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक दैट ऑफ द हार्ट, देन लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ब्लैडर, देन जेनाइटेलिया, देन इट इंक्लूड्स द वेरियस ग्लैंड्स विच परफॉर्म्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस, एंड दिस फंक्शंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर कॉन्सियस विल। तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड इज प्यारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे समझ में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और प्यारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट कैन वर्क्स और एक्टिवेट्स द फाइट रिस्पॉन्स इन द थ्रीट और परस्यू द डेंजर। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जंगल में गए और आपके पीछे शेर लगा हुआ है, तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाएगी, उसमें हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी में तैयार होंगे और आप इतने जोर से भागने लगेंगे कि जैसे कि कोई ओलंपिक में दौड़ता है तो उससे भी जोर से आप भाग सकते हैं इस पैरासिटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सभी फंक्शंस जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और हमारे बॉडी में जो है एक्टिविटीज इतनी बढ़ती है कि जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। और दूसरी है पैरासिटिक नर्वस सिस्टम। दिस पैरासिटिक नर्वस सिस्टम रिस्टोर द बॉडी टू काम और ब्रिंग्स अबाउट द होम्योस्टेसिस। तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कंडीशन है उसे मेंटेन करने का काम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। समझो हम इस क्रिटिकल कंडीशन से बच गए तो हमारे बॉडी में हार्ट रेट बढ़ा है, जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है, तो बाकी ऑर्गन्स की तुलना में हमारे लेग जो है इसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो ये सभी कंडीशंस जो है इसको नॉर्मल करने का काम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है जिनको इनवॉलेंटरी काम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनका फंक्शंस जो है वो नॉर्मली परफॉर्म हो, ये काम करते हैं हमारे पैरासिटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में ही काम करती है। आगे समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देयरफॉर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इट कैन कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू द नर्व्स। तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आगे समझो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं और नर्व्स दो प्रकार के होते हैं, क्रैनियल नर्व्स जिसकी 12 जोड़ी होती है और स्पाइनल नर्व्स जिसकी 31 पेयर्स होती है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वॉलंटरी फंक्शंस जो इसको कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स से कनेक्टेड नर्व्स होते हैं और इनवॉलंटरी फंक्शंस जो है जिसे कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, देन ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, देन सेक्सुअल अरोजल है, ये सभी एक्टिविटीज जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। और इसके दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रिटिकल कंडीशन में काम करती है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया, और
पैरासिम्पेटिक सिस्टम ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स जो है नॉर्मली फंक्शंस कर पाते हैं, एंड इट बींग्स अबाउट और रिस्टोर द काम कंडीशन इन अवर बॉडी, दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.